द थिंग्स यू शुड हैव इन योर बैग इफ यू वांट टू बी अ पावर लिफ्टर. आपका वेस्ट कैसा बेल्ट प्रेफर करता है, क्या क्या चीजें पहननी है आप लोगों को पावर लिफ्टिंग करने के टाइम पे. सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल पावर पार्टनर. आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या चीजें कैरी करनी है आपके पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन के टाइम पे, एंड अगर आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो तो आपके बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज आपके बैग में होना चाहिए वो होनी चाहिए वाटर बॉटल शेकर. भाई तीन चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. पहला, अगर आप प्री वर्कआउट कैरी कर रहे हो तो उसको मिक्स करके पीने के लिए फर्स्ट. सेकेंडरी, अगर आपने प्री वर्कआउट पी लिया या फिर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल वाटर कैरी करने के लिए. थर्ड, वाटर के साथ इलेक्ट्रोल पाउडर और एल्स BCAA EAA जो भी आप यूज करते हो उसको पीने के लिए. ये बॉटल बहुत नेसेसरी है क्योंकि आप किसी से भी बॉटल मांग नहीं सकते वहाँ पे, सबके पास अपना अपना होता है, कोई देगा नहीं. अभी बता दूँ डिस्क्लेमर है, नॉर्मल वाटर बॉटल जो लोगे उसमें ये जो टेकिंग साउंड सुन रहे हो ना जो स्प्रिंग का है, वो स्प्रिंग होगा नहीं तो अच्छे से घुलेगा नहीं. तो इसी वजह से ये सबसे पहला चीज़ है जो आपके बैग में होना चाहिए. अब चलते हैं ओवरऑल कॉस्ट्यूम पे कि कॉस्ट्यूम क्या होना चाहिए अगर आप पावर लिफ्टिंग खेलना चाहते हो. सबसे पहला चीज़ है ये सिंगलेट. सिंगलेट आपके बैग में होना चाहिए. अब बहुत जिनको सिंगलेट में ये डिफरेंस लगता है कि भाई सिंगलेट मतलब वो टाइट्स वाला शॉर्ट्स एंड एक ऐसा टी शर्ट. नहीं भाई, सिंगलेट होता है ये है प्रॉपर सिंगलेट. रेसलर्स लोग को पहनते देखते हो जो कॉस्ट्यूम, बस वही चीज है ये, उसी को बोलते हैं सिंगलेट. ठीक है, ये है सिंगलेट. सिंगलेट के साथ ऐसा टी शर्ट पहनना है, राउंड नेक होना चाहिए, हाफ स्लीव होना चाहिए, एक ऑल ओवर कॉस्ट्यूम. ठीक है, अब चलते हैं फुटवेयर पे. फुटवेयर में क्या है, सॉक्स कैसे होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए. शॉर्ट सॉक्स आर नॉट अलाउड इन पावर लिफ्टिंग. शॉर्ट सॉक्स लाइक दिस, ऐसे शॉर्ट सॉक्स आपके पावर लिफ्टिंग में बिल्कुल अलाउड नहीं है. आप पावर लिफ्टिंग में ऐसे शॉर्ट सॉक्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. आपको क्या करना है कि आप स्कूल में जब जाते थे आपका लॉन्ग सॉक्स आता था राइट, वो लॉन्ग सॉक्स आपको पहनना है. या फिर अगर आपको खरीदना है तो फुटबॉल सॉक्स खरीद सकते हो. ये थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होता है बट आप इसको फोल्ड करके यूज कर सकते हो. ठीक है, तो लॉन्ग सॉक्स पहनना है. शॉर्ट सॉक्स या फिर हाफ सॉक्स अलाउड नहीं है बिकॉज ये रीजंस है भाई, उनके पर्सनल ये रूल है तो यू कांट जस्ट डिसओबे इट. ये तो आपको ये पहनने हैं, ये शॉर्ट सॉक्स अलाउड नहीं है, लॉन्ग सॉक्स आपको पहनने हैं. अब शूज भाई आपके हिसाब से होने चाहिए, जैसा आपको मन, बट शूज होना चाहिए. बेयर फुट आप नहीं कर सकते, बट मेरे तरफ से आई रिकमेंड आपको फ्लैट सोल्स वाले शूज लाइक दिस डीकैथलॉन के जो सूबिया है, मैं इसको यूज करता हूँ. अगर आपके पास पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, थोड़े से ज्यादा पैसे हैं तो आप 800 की ये सूबिया शूज है डेडलिफ्ट के, और एक 600 के भी आते हैं, वो आप खरीद सकते हो. ये दोनों खरीद सकते हो. एक्वा शूज लिखना, डीकैथलॉन के साइट पे जाके आ जाएंगे, तो ये आप खरीद सकते हो. अगर आपके पास इतने से थोड़े से कम है तो आप ये खरीद सकते हो. ये केट्स जो हम लोग स्कूल में यूज किया करते थे, व्हाइट कलर का शूज आता था राइट, केट्स बोलते थे हम लोग उसको, ये वो है. तो आप इसको खरीद सकते हो. ये मेरे को पड़ा था 250 का बिकॉज ये ब्लैक कलर का, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे और मेरे को ब्लैक चाहिए था बिकॉज ब्लैक इज माई फेवरेट कलर. बट अगर आप मार्केट से परचेज करोगे तो ये 200 के आ जाएंगे, 180-200 के आ जाएंगे. तो आप इसके तो वहां से भी अगर आप परचेज कर सकते हो. इन शॉर्ट आपको केट्स खरीदने हैं. अगर आप SBD करना, ये किसी में भी यूज हो जाएगा भाई, स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट तीनों में से सब में यूज हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप अभी जस्ट बिगनिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, तो आप ये खरीद सकते हो या फिर वो. एंड अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप ये वाले स्क्वाट शूज खरीद सकते हो जो डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं. बड़े बड़े ब्रांड है, नाइकी है, प्रोवुल्फ है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, आप वहां पर जाके खरीद सकते हो अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो. अब आ जाते हैं नी स्लीव्स पे. नी स्लीव्स बिकॉज अगर आप रॉ लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको नी स्लीव पहनना है, लेकिन आप अगर इक्विप्ड लिफ्टिंग कर रहे हो तो उसके लिए सेपरेट है, वो कभी बाद में कोई वीडियो में कवर किया जाएगा. बट अभी फिलहाल अगर आपको रॉ लिफ्टिंग करना है तो आपको नी स्लीव्स भी डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं. ये है एक नी स्लीव, ये डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं लाइक USI, SBD, Kobo, Yaks, डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं. तो आप डिफरेंट ब्रांड्स के नी स्लीव्स ले सकते हो. मैं रेकमेंड करता हूं कि जरूर लेना नी स्लीव्स पे, प्लीज खर्चा करना बिकॉज नी स्लीव आपके नीज को सेफ रखने के लिए बहुत 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 जरूरी है. बिकॉज भाई नीज पे बहुत प्रेशर पड़ता है, चाहे डेडलिफ्ट करो चाहे स्क्वाट करो, बहुत प्रेशर पड़ने वाला है नीज पे. मैं पहले वही 200 वाले यूज करता था, मैं पहले भी यूज करता था बट, और अभी ये जो नी स्लीव है ये एक्चुअली मेरा नहीं है, किसी बड़े भैया का है मेरे, बट उसका थाइज बहुत बड़ा था तो मेरे लिए ये ना के बराबर ही है. तो 200 वाले अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े से तो भाई सेव करो. मैं भी सेव कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं लूंगा नी स्लीव, बट अभी तो नहीं है फिलहाल बिकॉज पैसे कहीं से आ रहे थे. बट अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज नी स्लीव लेना, SBD के हैं, Yaks के हैं, Kobo के हैं, लेकिन लेना नी स्लीव पर, प्लीज खर्चा करना. एक जगह है जहां पर आपको प्लीज खर्चा करना चाहिए, वो आपके नीज, बिकॉज नीज आर बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं पावर लिफ्टिंग में, नीज फुल पावर लिफ्टिंग में.
बेंच खेल रहे हो तो थोड़े कम, बट हाँ फुल पावर लिफ्टिंग में नीज मेजर रोल प्ले करता है, तो आपको नीज स्लीव ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, रेस्ट रैप आपको लेना चाहिए बिकॉज रेस्ट इज आर ऑल्सो नेसेसरी। रेस्ट तो बहुत नेसेसरी है भाई, रेस्ट का बढ़ गया दिक्कत हो जाएगा, रेस्ट टूट गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो रेस्ट भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, कोबो, एसबीडी, फिर ग्राइंड गियर। बट अगर आपके पास महंग मतलब ज़्यादा पैसे नहीं, आप एसबीडी परचेज नहीं कर सकते और क्या ग्राइंड गियर परचेज नहीं कर सकते, तो आप कोबो की तरफ जा सकते हो। ये मेरे 500 रुपीज़ का है, आई गेस एसबीडी का 3-4 हज़ार का आता है, तो ये 500 रुपए का है भाई। ये स्ट्रेचेबल भी है, लॉन्ग भी है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेचेबल भी है, लॉन्ग भी है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। आपको अगर बेंच प्रेस करना है, स्क्वाट्स करना है, तो उसमें ये चीज़ काम में आता है। ठीक है, ये 500 रुपए का ही है, ज़्यादा महंगा नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेजर चीज़ जो सबको जानना है, बेल्ट। दो टाइप के आते हैं, बहुत जन ऐसे बेल्ट प्रिफर करते हैं जो पतले से होते हैं, पतले से बेल्ट बहुत लिफ्टर्स लोग प्रिफर करते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े लिफ्टर्सों को देखा है जो पतले बेल्ट पहनते हैं, बिकॉज उन लोगों का कहना है कि उन्हें पतला बेल्ट कन्वीनियंट लगता है। आपका भी वैसे ही है भाई, आप अपने वेस्ट को देखो, आपका वेस्ट कैसा बेल्ट प्रिफर करता है। अगर आपका वेस्ट पतला बेल्ट प्रेफर करता है तो पतला, अगर वेस्ट थिक बेल्ट प्रेफर करता है तो थिक बेल्ट भी आप खरीद सकते हो। ये यूएसआई का बेल्ट है, ये वो जो ओरियन का है, ये ओरियन का है ये आई गेस, हाँ हाँ, ये बेल्ट 1200 में आ जाएगा, ये पतला है। ये बेल्ट 2200 रुपये में आएगा, ये थिक है, ये 2200 में आएगा, ये पतला है, ये 1200 में आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है भाई, दोनों आपका कोर स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, और कोई काम नहीं है बेल्ट का कोर स्टेबिलिटी बढ़ाने के अलावा। अगर आपका कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सारे लिफ्ट बेल्टलेस भी परफॉर्म कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ बेल्ट पहनो, बिकॉज आपको नहीं पता अभी कि आपका कोर स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो इंजरी आ सकता है ना, तो इसीलिए आप ये ट्राई मत करो। लिवर बेल्ट भी खरीद सकते हो ऐसे टाइप के, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, अंधा पैसा है, तो आप ऐसे लिवर बेल्ट परचेज कर सकते हो। डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं भाई, अभी तो यूएसआई भी निकाल दिया अपना लिवर वाला बेल्ट प्रो, फिर उसके बाद हैक एथलेटिक्स है, देन आफ्टर दैट SBD है, बुलरॉक है, डिफरेंट ब्रांड्स के आप लिवर बेल्ट परचेज कर सकते हो। ऐसे टाइप्स के बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे भरे पड़े, आप ये कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो, और नहीं है तो भाई ऑब्वियस सा बात है आपको ऐसे ऐसे बेल्ट आप खरीद सकते हो। अब चलते हैं बहुत मेजर टॉपिक पे जो है ये, अब ये क्यों है ये आगे बढ़ के बताऊंगा, ये टावल है पहला, तो आगे चलते हैं वीडियो में, फिर मैं बताऊंगा इसका काम एक्चुअली में क्या है एंड ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। अब बढ़ते हैं आगे, दो टाइप के पाउडर्स आते हैं भाई, ये पाउडर्स भी आपके पास होने चाहिए। पहला पाउडर होता है जॉनसन बेबी का, स्लिपरी होता है ये आपको अगर आप डेडलिफ्ट खेलते हो तो आपको डेडलिफ्ट में मैं रेकमेंड करूंगा, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप कन्वेंशनल पुल करो या भाई सुमो, क्या होता है कि हाथ जो है ना यहाँ स्लिप करता है, कन्वेंशनल में भी यहाँ स्लिप करता है और यहाँ स्लिप करता है, तो वो अटकता है, बेसिकली स्लिप नहीं करता, वो अटक जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, यहाँ पर अटकता है स्किन के वजह से। तो उस टाइम पे अगर आप इसको यहाँ पर लगाओगे लाइक आपके थाइस पे, तो क्या होगा कि ये बहुत स्लिपरी सब्सटेंस है, तो आपका हाथ स्लिप करके जल्दी से ऊपर आएगा, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस फील होगा आपको, आपको बहुत ज़्यादा इजी फील होगा एक हैवी वेट को पुल करने में, क्योंकि यहाँ स्लिप करता है, क्योंकि बहुत वेट्स क्या होते हैं यहाँ अटक जाते हैं, वो अटकेगा नहीं, यहाँ से स्लिप करके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पाउडर है आपके पास होना चाहिए। दूसरा पाउडर है ये चौक, स्कूल वाला चौक नहीं भाई, बहुत जन स्कूल वाला चौक यूज करते हैं, वो भी स्लिप करता है, तो वो चौक यूज मत करना। ये है लिफ्टिंग चौक, लिफ्टिंग चौक में क्या है ग्रिपिंग होता है, ये देख रहे हो बहुत ग्रिप होता है लिफ्टिंग चौक में, इतना ग्रिप होता है कि आपका हाथ से बार को छूटने नहीं देगा। डेडलिफ्ट यू परफॉर्म करते हो डेडलिफ्ट के लिए काम आएगा, स्क्वाट परफॉर्म करते हो तो आपको अपना बैक में लगा के आप रख सकते हो ताकि बार ना फिसले, एंड बेंच प्रेस में तो भाई ऑब्वियसली बार आप ऐसे पकड़ते हो स्लिप करने का बहुत चांसेस होता है, तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हो ये नॉर्मल लिफ्टिंग वाले चौक को। अब मैं आ जाता हूँ तौलिया पे, कि मैं तौलिया क्यों बोला कि वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास तौलिया इसीलिए होना चाहिए बिकॉज देखो भाई, अगर आपके पास ये दोनों पाउडर्स नहीं है, मान के चलो आपने किसी से मांगा कि भाई जॉनसन बेबी पाउडर दो, वो एक ही बार देगा, नहीं देगा, आपके पास होना चाहिए वो चीज, बट इन केस आपने अगर मांगा किसी से, वो एक ही बार देगा। अब मान के चलो आपने थाइस पे लगाया, पसीना आ रहा है थाइस पे, यहाँ से पसीना गिर रहा है, तो आप वहां पर टैप करके वो पसीने को हटा सकते हो, बट अगर एक बार वो वॉश आउट हो गया ना, वो जॉनसन बेबी वाला जो स्लिपरी पाउडर, अगर वो वॉश आउट हो गया तो वॉश आउट एक बार अगर वो हो गया ना भाई तो फिर वापस वो आपको देगा नहीं, आप बार बार मांगोगे नहीं। एंड सेम चीज गोज फॉर द चौक, चौक में भी भाई अगर हाथ में पसीना आता है तो चौक साफ हो जाएगा ना, टैप करके आप पसीना को निकाल, टैप करना, पोछने मत लगना, पोछोगे तो यहीं पर सब आ जाएगा, तो ये भी, तो ये दोनों चीज के वजह से। एंड देन टू पसीना भाई, मेरे को पर्सनली पसीना बहुत ज्यादा इश्यूज देता है, मतलब पसीना अगर मुंह के थ्रू आए या फिर इधर उधर आ जाता है बहुत इश्यूज देता है, इस वजह से मैं पसीना को पोछने के लिए बेसिकली टॉवल को रेकमेंड करता हूँ। एंड आपके बैग में दो और चीजें होनी चाहिए जो अगर आपके पास पैसा है तो, एक होता है प्री वर्कआउट एंड एक होता है EAA इंटर वर्कआउट, जो आप कह सकते हो इंटर वर्कआउट की जगह पे बहुत जन डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेते हैं लाइक
ग्लूकॉन डी लेते हैं, फिर उसके बाद ORS जो होता है ORS लेते हैं, बट आई रिकमेंड कि आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास पैसा है तो। नहीं है तो भाई आप भी ORS खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद ORS लेता हूँ क्योंकि मेरे पे नहीं है, मेरे पास E-double नहीं है, मेरे पास प्री वर्कआउट नहीं, तो मैं ORS लेता हूँ। एंड या दैट्स इट, ये चीज़ें आपके बैग में होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ा चीज़, सबसे मेन चीज़ बेसिकली ये सारी चीज़ों को रखने के लिए आपके पास इतना बड़ा बैग तो होना ही चाहिए भाई, क्योंकि देखो इतने सारे चीज़ें, इतने सारे गियर्स आपके एक छोटे बैग में तो आएंगे नहीं, जो 150 के बैग्स मिलते हैं उसमें तो आएंगे नहीं ना जिम वाले बैग में। एंड इतना बड़ा बैग अगर आप कोई ब्रांड का परचेज करने जाओ तो भाई 1200 के आते हैं, मैंने देखा है दो तीन ब्रांड्स को जिनके बैग्स आते हैं बड़े बड़े 1200 के आते हैं वो, बट मैंने इसे 400 रुपये में बनवाया है। आप आसपास के अगर बैग के शॉप में जाके बोलोगे मेरे को एक बड़ा बैग बना के दे दीजिए, वो बना देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये 400 का बना हुआ है, ठीक है, मैं ज़्यादा मेरे पास है ही नहीं भाई, तो मैं कहाँ चलाऊँ, जुगाड़ करना पड़ता है, तो यही है भाई मेरा जुगाड़, 400 रुपये का मैं बैग बनवा के रखा हुआ है मैंने। जिस दिन स्पॉन्सरशिप आएगा तो ऑब्वियसली मैं भी रिकमेंड करूंगा बहुत जन को भाई खरीदो खरीदो, बट अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि आप भी अगर मेरे ऐसे हो जिनके पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है या फिर आपके पास पैसे नहीं है, आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये चीज़ परचेज कर सकते हो ना, 400 रुपये का आता है, कोई भी बैग शॉप में आके बोलो वो 400 में बना देंगे, बड़े बैग्स, बड़ा बैग, ज़्यादा चेन मत लगाना, ज़्यादा फैंसी मत करना, बस एक चेन लगाना, बड़ा बैग बनवा लेना, 400 रुपये में आ जाएगा, वो काफ़ी होगा आपके लिए। एंड इतने सारे इक्विपमेंट से एक छोटे बैग में नहीं आएंगे, तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आपके पास एक इतना बड़ा बैग तो एकदम होना ही चाहिए, ताकि आप इतने सारे इक्विपमेंट्स एक बैग में समेट के रख पाओ। इधर उधर बिखेर के रखोगे तो भाई चोरी होने का बहुत डर होता है कॉम्पिटिशन्स में, बिकॉज बहुत भीड़ होती है, तो कोई स्पेसिफिक इंसान आपका सामान का रखवाली तो करेगा नहीं, ठीक है, तो हेल्प योर सेल्फ, तो आपके पास एक बैग ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ों को अपने एक बैग में रखो, दैट्स इट। सो दिस वॉज द थिंग कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके बैग में अगर आप पावर लिफ्टर हो तो, द थिंग्स यू शुड हैव इन योर बैग इफ यू वॉन्ट टू बी अ पावर लिफ्टर। चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं, तो वहीं तक आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा है और या फिर अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ अपने और बिगनर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आप लोग के पास एंड क्या क्या चीज़ें पहननी है आप लोगों को पावर लिफ्टिंग करने के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें उनको भी नॉलेज मिलेगा, आपको भी नॉलेज तो मिल ही रहा है। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसी और वीडियोज़ आप नॉलेजेबल वीडियोज़ चाहते हो, देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। So this is your Power Partner channel. This is Srijan. Thanks for watching the video. Hope you liked the video. Bye bye.